स्वागत है आप सभी का दोस्तों हमारे चैनल स्टडी विद स्वाति में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर से योगा फाइल को लेकर के। अगर आप बीएड में हैं और आपको योगा पर फाइल बनानी है तो आप बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम योगा फाइल को इंग्लिश में लेकर के बात करने वाले हैं। अगर हिंदी की बात की जाए तो हमने इसको हिंदी में बताया हुआ है। काफ़ी सारे फाइलें जो आपकी हिंदी में थी वो इंग्लिश में प्रोवाइड करा दी गई हैं। तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को चेक करें, वहाँ पर आपको अलग अलग फोल्डर सभी फाइलों के लिए देखने को मिल जाएगा, जिसे देख करके आप अपनी किसी भी फाइल को तैयार कर सकते हैं बीएड के लिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे योगा में आप कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले आप ऐसे ही इंडेक्स बनाएंगे, एक तरफ आप सीरियल नंबर डालेंगे, ऐसे ही टॉपिक, पेज नंबर, साइन, आप चाहें तो डेट भी डाल सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे ही इंडेक्स बना लेना। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला हमारा जो पार्ट है वो है हिस्ट्री ऑफ योगा, दूसरा है इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, तीसरा है एलिमेंट्स ऑफ योगा, चौथा है मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ प्राणायाम, ठीक है, पांचवा है टाइप्स ऑफ आसना। तो ये हो गए आपके टॉपिक जिन पर आज हम बात करेंगे, और आप बिल्कुल अपनी फाइल ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ योगा के बारे में। उससे पहले ये डायग्राम लगा हुआ है, ये प्लेन साइड पे लगाइएगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम इसे अभी एक्सप्लेन करेंगे तो उसी के सामने ये पेज था। ये फाइल देख सकते हैं बिल्कुल वैसे ही लगी हुई है, एक तरफ प्लेन और एक तरफ लाइनिंग। तो जब आप योगा को एक्सप्लेन करेंगे उसी के साइड प्लेन पन्ने पर आप ये डायग्राम लगाएंगे योगा का। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये योगा का डायग्राम लगा हुआ है, बिल्कुल आप ऐसे ही इंटरनेट पे आपको सारे अवेलेबल हैं, आप ऐसे ही निकलवा करके लगा लीजिएगा। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ योगा के बारे में बात की जाए तो योग एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में पतंजलि ने भी कहा है कि योग के द्वारा ही मनुष्य जो है अपने भावों पर, अपने जो एकाग्रता है उस पर, अपने मन पर नियंत्रण पा सकता है, क्योंकि योगा के द्वारा ही जो आपका शरीर होता है वो स्वस्थ बनता है। ठीक है, साथ ही निरोगी रहता है, और प्राचीन काल में पौराणिक कथाओं में भी योग के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है। तो अगर आप इसे हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप हमारी हिंदी फाइल को देख सकते हैं, जिसमें योगा के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है। जैसा कि यहाँ पर दिया है, योगा इज़ अ 5000 ईयर ओल्ड इंडियन फिलॉसफी। देख सकते हैं आप इसकी हिस्ट्री कितनी ज़्यादा पुरानी है। ठीक है, तो आप योगा के बारे में बिल्कुल ऐसे ही देख करके लिख सकते हैं इसकी हिस्ट्री को। अगर आपको हिंदी में समझना है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो से समझ सकते हैं। तो ये है योगा, ठीक है, जो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक ही जैसे रहेगा। तो बस आपकी लैंग्वेज की बात है तो आप इसको हिंदी में नहीं इंग्लिश में बनाएंगे। तो आप देख लीजिए, आप वीडियो पॉज करके इसे आराम से लिख लीजिएगा। चलिए लाइन से हम देखते जाएंगे और आप इन्हें कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पर देखिए मीनिंग ऑफ योगा के बारे में बताया गया है कि जो परिभाषा है वो क्या है योगा की। तो यहाँ भी मीनिंग ऑफ योगा को डिफाइन किया गया है, आप इन्हें देखिए, आप वीडियो पॉज करके पढ़ के लिखिएगा। जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं आपकी हेयर फ्यू डेफिनेशंस ऑफ फेमस पीपल, जो भी आपके रिनॉट पीपल हैं उनके बारे में जो भी डेफिनेशंस है, जैसे पतंजलि के बारे में, महा ऋषि वेदव्यास जी के बारे में। ठीक है, तो ये सारी डेफिनेशंस भी दी हैं योगा के बारे में, जिन्होंने काफ़ी कुछ बताया है कि योगा क्या है, योग करने से क्या लाभ है। तो आप इन्हें देख सकते हैं, आप वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, आगे से में हम देखेंगे ये सारी, कितने सारे जो आपके फेमस पीपल हैं तो उन्होंने अपनी डेफिनेशंस अपने शब्दों में दी हैं। तो आप इन्हें देखिए, आप वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा। उसके बाद आएगा इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, योगा का महत्व क्या है। तो ये इम्पोर्टेंस ऑफ योगा के बारे में बताया गया है, इसे भी आप पढ़ करके वीडियो पॉज करके लिखिएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं योगा के इम्पोर्टेंस क्या हैं। ठीक है, तो आपको अगर फाइल तैयार करनी है तो आप बिल्कुल पढ़ के लिखेंगे, और आप चाहें तो इंटरनेट का भी यूज़ कर सकते हैं अपने टॉपिक के लिए। साथ ही
हर एक पेज पे आप ऐसे ही योग के जो आसन होते हैं उनके बारे में भी डायग्राम वगैरह लगा सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। फिर उसी के आगे हैं, बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत होइएगा, लाइन से ही हम देख रहे हैं। ठीक है, और जो डायग्राम लगे हुए हैं वो प्लेन साइड आपकी फाइल पे रहेंगे। फिर आप देख सकते हैं साइकोलॉजिकल जो इम्पोर्टेंट्स हैं आपके, जो भी साइकोलॉजिकल इम्पोर्टेंट्स होंगे उनके बारे में आप लिखेंगे। आगे देखते हैं हम इसी में। फिर है रेस्पिरेशन प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर जो है ये सब मेंटेन रहता है, क्योंकि योग करने से आपकी सारी परेशानियाँ बीमारियाँ दूर होती हैं, तो उनके भी बारे में बताया गया है कि कैसे कैसे बैक पेन वगैरह इसमें भी सहायता करता है। वेट रिडक्शन में यानी जो वज़न घटाने में योग बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल देता है अपना। तो आप इन्हें देख लीजिए लाइन से ही सारे, आप वीडियो पॉज करके इन्हें कॉपी कर सकते हैं। आगे देखेंगे। तो ये हैं साइकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, ये है मेंटल परफॉर्मेंस, मूड चेंज एंड है स्पिरिचुअल बेनिफिट्स, जो भी आपके आप उनके बारे में लिखेंगे लाइन से ही सारे। उसके बाद आएगा एलिमेंट्स ऑफ योगा, तो इसमें आप एलिमेंट्स ऑफ योगा के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो आप इन पॉइंटों को देखिए, आप वीडियो पॉज करके कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम। ये सारे पॉइंट यामा, ठीक है, नियामा, तो ये सारे पॉइंट आपके एक्सप्लेन भी किए गए हैं, जो कि अभी हमने आपको ऊपर यहाँ पर दिखाए थे, ये देख सकते हैं ये सारे पॉइंट, इनको एक्सप्लेन भी किया गया है। ठीक है, तो ये वही पॉइंट है, इनके बारे में भी आप पढ़ करके वीडियो पॉज करके लिखेंगे। तो लाइन से सारे आसना, ये सारी चीज़ें दी हैं जो भी आसन हैं आपके। प्राणायाम दिया है, आगे इसी में यहाँ पर 6.7.8 point, और यहाँ पर जो आपके एलिमेंट्स ऑफ योगा थे वो कंप्लीट हो गए हैं। तो आप इन्हें लाइन से देख लीजिए, आप वीडियो पॉज करके बिल्कुल कॉपी कर सकते हैं। फिर आगे हम इसी में जाएंगे, देखेंगे क्या कुछ है। फिर दिया है मीनिंग ऑफ प्राणायाम, प्राणायाम क्या है। तो प्राणायाम की बात की जाए तो प्राणायाम जो है प्राण शक्ति, यानी जो आपकी श्वास होती है वो अंदर लेने और बाहर छोड़ने की जो क्रिया होती है उस पर नियंत्रण करना ही प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम करने में मस्तिष्क का तनाव जो है वो कम होता है, मन एकाग्रचित, शरीर निरोगी तथा इससे हमारी आयु भी बढ़ती है। इससे भी कई फायदे हैं, जैसे नियमित प्राणायाम करने से मोटापा, कब्ज, रक्तचाप, गैस और श्वास संबंधी असाध्य रोगों से भी बचा जा सकता है। ठीक है, इसके भी अनेक क्रियाएं होती हैं, काफ़ी सारे इसके भी टाइप होते हैं, तो आप इन्हें देखिए, आप वीडियो पॉज करके लिखिएगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर फर्स्ट दिया है इंटरनल कुंभ का, सेकंड है एक्सटर्नल कुंभ का, तो आप इन्हें पढ़ करके वीडियो पॉज करके लिखिएगा। आगे देखेंगे हम। दिया है टाइप्स ऑफ प्राणायाम, प्राणायाम के प्रकार कितने हुए हैं, तो सारे आपके दिए हुए हैं, आप वीडियो पॉज करके इन्हें भी लिख सकते हैं। फिर दिया है जनरल बेनिफिट्स, इसके जनरल बेनिफिट्स क्या क्या है यानी प्राणायाम के बारे में, तो वो भी दिया है। आगे देखेंगे, ये आपके डायग्राम लगे हैं, आप बिल्कुल इसे इंटरनेट से निकलवा करके ऐसे ही लगाएंगे। ठीक है, आप देख लीजिए आपको कैसे क्या डायग्राम लगाने हैं।
फिर ये थर्ड पॉइंट, फोर्थ, फिफ्थ, ये लाइन से सारे पॉइंट दिए हैं, आप इन्हें देख लीजिए, आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं क्या कुछ आप पॉइंट लिखेंगे। फिर आपका डायग्राम लगा हुआ है, आप बिल्कुल ऐसे ही लगा सकते हैं। प्लेन साइड पे आप फाइल पे लगाएंगे और उसके एक साइड आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ आसना, यानी टाइप्स ऑफ आसन। जैसा कि इसमें फर्स्ट आपका दिया है ताड़ासना, ठीक है, उसके भी आपको यहाँ पर बेनिफिट्स दिए हैं, तो आप ये टाइप्स में लिखेंगे। आप इन्हें देखिए, आप वीडियो पॉज करके एज इट इज कॉपी करिएगा, क्योंकि पढ़ने में एक एक लाइन काफ़ी सारे पॉइंट है, टाइम लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से आप डायग्राम ऐसे ही लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लगा हुआ है ताड़ासना का। आगे देखेंगे, तो यहाँ तक कि आपका ये दिया हुआ है, ठीक है, आप वीडियो पॉज करके एज इट इज कॉपी कर लीजिएगा। उसके बाद आएगा आपका पद्मासन, यानी पद्मासना, ठीक है। तो उसको एक्सप्लेन किया गया है कि पद्मासना क्या है, उसके भी बेनिफिट्स देख लेते हैं, क्या कुछ बेनिफिट्स हैं आपके पद्मासना के। यहाँ पर आपके सभी पॉइंट दिए हैं, आप इन्हें देख करके वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। उसके बाद आएगा आपका भुजंगासन, यानी जो भुजंगासना होता है उसके बारे में आप लिखेंगे कि कैसे क्या ये भुजंगासना आप यूज़ करते हैं योगा में, ठीक है। तो आप इसे भी पढ़िएगा, ये कितने मिनट का होता है, यहाँ टाइम भी सब दिया हुआ है, बेनिफिट्स इसके सारे दिए हुए हैं, और साथ ही आपकी कॉन्ट्रडक्शंस जो हैं वो भी दिए हैं, यानी विरोधाभास, ठीक है। तो आप इन्हें देखिए, आप वीडियो पॉज करके एज इट इज कॉपी करिएगा। उसके बाद आगे देखेंगे हम वज्रासना, यानी वज्रासना जो आपका होता है, वज्रासन भी इसे हिंदी में कहते हैं, ठीक है। तो आप वज्रासना के बारे में लिखेंगे, और आप साथ ही ऐसे ही वज्रासना का डायग्राम भी लगा सकते हैं। साथ ही आप ऐसे ही उनके बेनिफिट्स दिखाएंगे, ठीक है, और साथ ही कॉन्ट्रडक्शंस के बारे में आप लिखेंगे। उसके बाद आएगा सुखासना, ठीक है, और साथ ही सारे डायग्राम ये लाइन से आप देख सक पा रहे हैं, सब लगे हुए हैं, आप वीडियो पॉज करके एज इट इज लिख लीजिएगा, और साथ ही डायग्राम आप इंटरनेट से निकलवा लीजिएगा, ठीक है। तो फिर से सुखासना के ये बेनिफिट्स हैं, फिर उसके बाद कॉन्ट्रडक्शंस, उसके बाद आएगा एजुकेशनल इम्प्लिकेशंस। तो ये हैं योगा के एजुकेशनल इम्प्लिकेशंस, आप उनके बारे में लिखेंगे। तो आप इन्हें लाइन से देख लीजिए, आप वीडियो पॉज करके एज इट इज कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में आएगा कॉन्क्लूज़न, यानी निष्कर्ष क्या कुछ है, तो उसके बारे में भी आप लिखेंगे। तो आप इन चीज़ों को देखिए, आप वीडियो पॉज करके एज इट इज कॉपी कर लीजिएगा। और लास्ट में आएगा रिफरेंस, तो ये है योगा के बारे में रिफरेंस, ठीक है। और यहाँ पर जो आपकी योगा की फाइल थी वो कंप्लीट हो गई है, तो एक बार हम फिर से इन्हें देख लेते हैं कि कैसे क्या कुछ आप लिखेंगे। साथ ही अभी हम इसकी ओरिजिनल फाइल भी एक नज़र में देख लेंगे, ताकि जो डायग्राम आपको लगाने हैं कहाँ कहाँ लगाने हैं, तो आप फाइल से अच्छे से देख करके समझ पाएंगे। फिर से हम बैक जा करके राइट जा रहे हैं, बैक से वापस सीधे पहुँचेंगे।
ये सारे डायग्राम आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही लगाएंगे। जो भी आसन हैं उनके डायग्राम आप लगा सकते हैं, आपको ये इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाएंगे, वहाँ पर आप निकलवा करके लगाइएगा। या फिर योगा का चार्ट भी आता है, आप दुकान से ले आइएगा और काट करके लगा दीजिएगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट लाइन से ही है, आप वीडियो पॉज करके आराम से लिखिएगा। अगर कोई दिक्कत है तो बिल्कुल आप कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं, आप सभी के कमेंट का रिप्लाई मैं कर देती हूँ। बहुत जल्द ही लाइब्रेरी विज़िट की फ़ाइल, जो हिंदी फ़ाइल है, वो प्रोवाइड करा दी जाएगी। अभी मेरे पास इंग्लिश की ही है, क्योंकि हमने इंग्लिश में बात कर ली है लाइब्रेरी विज़िट को लेकर के। अभी हमारे पास दो और फाइलें हैं लाइब्रेरी विज़िट की, जो कि अलग तरीके से बनाई गई हैं और बताई गई हैं कि कैसे क्या आप लाइब्रेरी विज़िट के बारे में लिखेंगे, तो उसे भी हम देख लेंगे एक वीडियो में। तो फिर से हम एक बार देख ले रहे हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। काफ़ी बड़ा था, क्योंकि अगर ये पढ़ते तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाता, लगभग एक घंटे का हो जाता, एक घंटे से ऊपर ही का, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे जो पॉइंट आपके दिए हैं उसके अंतर्गत भी इंक्लूड किया गया है। और डायग्राम आप बिल्कुल लगाएंगे, मीनिंग ऑफ योगा। उसके बाद फर्स्ट पेज पे हम आ गए इंट्रोडक्शन, जो कि योगा की हिस्ट्री है, और साथ ही ये डायग्राम, और ये आपका इंडेक्स। तो ये है हमारी ओरिजिनल फाइल, और हम देखेंगे एक नज़र में कि कैसे क्या आप डायग्राम मेंशन करेंगे। आप ऐसे ही अपना नाम, क्लास, सब्जेक्ट वगैरह डालेंगे, कॉलेज का नाम वगैरह डालेंगे, फिर ऐसे ही आप इंडेक्स मेंशन करेंगे, ठीक है। आप देख लीजिए इन पॉइंटों को, आप ऐसे ही बनाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट पेज पे आप क्या लिखेंगे। तो ये देख सकते हैं योगा की हिस्ट्री के बारे में दिया है, ठीक है। आप इन्हें बिल्कुल कॉपी कर सकते हैं, और डायग्राम की बात की जाए तो बिल्कुल जैसे यहाँ पर पेज पे आपका लगा है, आप ऐसे ही प्लेन पेज पे डायग्राम लगाएंगे। इसीलिए मैंने ये फाइल दिखाई है ताकि आप डायग्राम अच्छे से लगा सकें, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या कुछ आप लिखेंगे। फिर यहाँ पर मीनिंग ऑफ योगा, योगा की मीनिंग के बारे में, जैसा कि हमने बात की थी अभी, उसके बाद आके देखेंगे। फिर आपका आगे इम्पोर्टेंस ऑफ योगा नेक्स्ट पेज पे, ये पूरा पहले आप इम्पोर्टेंस देख लीजिए इनका, और साथ ही ये डायग्राम आप बिल्कुल ऐसे ही लगा सकते हैं। डायग्राम आप हर एक पेज पे लगाइएगा योगा से रिलेटेड, आपको इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। और सारे पॉइंट दिए हैं लाइन से, जैसा कि हमने देखा था, फिर भी आप एक नज़र में देख लीजिए। फिर है एलिमेंट्स ऑफ योगा, जो भी एलिमेंट्स हैं उनके पॉइंट के अंतर्गत भी इंक्लूड किया गया है। तो अगर इसकी कॉपी से समझ में नहीं आता तो आप यहां से भी देख करके लिख सकते हैं, ठीक है। यहां तक की था आपका एलिमेंट्स ऑफ योगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, फिर ऐसे ही आप नेक्स्ट पेज पे मीनिंग ऑफ प्राणायाम के बारे में लिखेंगे, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ प्राणायाम के बारे में लिखेंगे, कितने टाइप्स हैं,
जनरल बेनिफिट्स क्या हैं। तो यहाँ तक कि आपके जनरल बेनिफिट्स थे, आप इन्हें देख लीजिए और साथ ही आप ये डायग्राम ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे आप क्या कुछ चीजें लिखेंगे। फिर आएगा टाइप्स ऑफ आसना, आसन के कितने टाइप होते हैं उनके बारे में आप डिफाइन करेंगे, बेनिफिट्स साथ में उनके लिखते जाएंगे और साथ ही ऐसे आप लगा सकते हैं पिक्चर या डायग्राम। तो आप इन्हें देखते जाइए, आप वीडियो पॉज करके लिखिएगा और ये रहे आपके डायग्राम। देखते हैं नेक्स्ट पेज पे आप क्या कुछ चीजें लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं सारे पॉइंट दिए हैं, उनके बेनिफिट्स वगैरह जो भी होते हैं वो दिए हैं, आप इन्हें देखेंगे और बिल्कुल चाहे आप यहाँ से या फिर जो कॉपी दिखाई गई है वहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं और डायग्राम आप बिल्कुल ऐसे ही लगाएंगे हर एक पेज पे। देख सकते हैं ये इंटरनेट से ही निकलवाया गया है, आप चाहें तो कलर, जो कलर प्रिंट आउट होता है उसको भी आप निकलवा सकते हैं और ऐसे ही अपनी फाइल में लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप इन्हें देख लीजिए और साथ ही ये डायग्राम की बात है, हर एक पन्ने पे लगभग लगे हुए हैं, आप ऐसे ही लगा सकते हैं। फिर है एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, आप ऐसे ही कलर पेन से डाल करके ऐसे ही सिंपल लिखेंगे, फाइल देख सकते हैं कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है, ज्यादा कुछ डेकोरेशन नहीं किया गया है, आप ऐसे ही सिंपल वे में बना सकते हैं। लास्ट में आएगा कॉन्क्लूजन, तो आप इसे भी देख लीजिए और इसके बाद रिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी फाइल थी वो कंप्लीट हो गई है। तो आई होप दोस्तों आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल स्टडी विद स्वाति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किए जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट के माध्यम से आपके जो भी प्रश्न है आप उनका उत्तर पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।